गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिए, ये तो गीता जी सबके पास है, कोई छुपाने और चुराने की लुकाने की बातें नहीं है। ये तो बहुत दिन लुकोली अनजान संतों ने, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 15 देखो। ये देखो भगवान काल कह रहा है, जो गीता जी में, क्योंकि काल ही बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण के शरीर में, मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूं, हृदय कमल में रहता है ये काल, और वहां से सब ज्ञान आदि मैं देता हूं। सीधा सा बात ये बताना चाहता था कि काल हृदय में है, शिव और पार्वती रूप में है। अगर इन संतों ने देखा होता कि हृदय तक पहुंचे होते, को रोशनी देखी होती, तो ये बताते कि वहां शिव और पार्वती रूप में, और भगवान शिव का बहुत तेजो में रूप है, क्योंकि ये हजार कला का भगवान है, ज्योत स्वरूपी है। ये शिव रूप बदल भी लेता है, दूसरा रूप बना भी लेता है, तो भी इसके ऊपर एक ओवरकोट पहनता है ये भी इस माया से अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर, और शिव और पार्वती का रूप बनाकर बैठ जाता है। ऐसे प्रकृति को अपना, प्रकृति को ही पार्वती रूप बना लेता है। इनका वास्तव में तेज ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर एक ओवरकोट पहन लेते हैं माया का, और फिर भी उसमें से बहुत प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन उनके काफी ब्रह्मांड में, उसके लोक में रहता है। अगर ये हृदय कमल में जाते तो भगवान शिव देखते, और उससे बहुत रोशनी निकल रही है भगवान शिव के, जैसे कोई, जैसे 60 वाट का बल्ब है, कोई 60 वाट की ट्यूब है, कोई 200 वाट की है, कोई 1000 वाट का बल्ब है, कोई हाइलोजन ट्यूब है, 2000 की है। तो ऐसे अगर इन्होंने देखा होता तो इनमें लाइट है, और उस ट्यूब से लाइट है, ट्यूब आकार है, लाइट निराकार है, प्रभु आकार में है और उसका प्रकाश निराकार है। आज तक किसी भी, सभी ग्रंथों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में देखा, जैसे गुरु नानक देव जी ने प्रभु को देखा और कहा वो सचखंड लेके गया भगवान मुझे, तो भगवान आकार में है देखा। और सिख धर्म में पूछ ले, आज उन 10 महापुरुषों ने तो सही व्याख्या की है गुरु ग्रंथ साहिब में, कोई शक नहीं छोड़ा। लेकिन अब नकली जो संत वर्तमान के, ये बहकाए बैठे बोली आत्माओं को, वह कहते नहीं अल्लाह तो फिर परमात्मा, तो रब तो निराकार है। ऐसे ही वेदों में परमात्मा आकार में है, उसका नाम कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि वो परमात्मा धारक रूप है, उसका नाम कबीर है, हक्का कबीर। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे, एक अर्ज गुप्तम पेश दोतर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। वो कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर तू ही है। भाई सूरत मुलुक की वेश, एठ अगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर प्रश्न में, और पौड़ी नंबर अर्थात वो शब्द नंबर 29 में। स्वयं गुरु नानक देव जी देखकर अपनी आंखों सचखंड में, और फिर धानक रूप में काशी में जब बैठे, जुलाहे का काम करे था वो परमेश्वर। तो इन्होंने आंखों देखा और बताया आकार में है, वेद बताओ कबीर परमेश्वर है, वो सह शरीर है, वो सतपुरुष का शरीर है, और ये नकली सतलोक की महिमा गाने वाले, और सतलोक से भी ऊपर कहते हैं ग्रह स्वामी अनामी पुरुष, सतलोक से ऊपर अगम पुरुष, अलख पुरुष, अगम लोक, और फिर अनामी लोक। अनामी तक तो बिल्कुल सही है, उससे ऊपर एक रौद्र स्वामी लोक, ये है उनकी व्याख्या। ना कोई आधार है, ना कोई उनका किसी शास्त्र से प्रमाण है। कबीर साहब से पहले कोई नहीं जाने था इस सतलोक की महिमा ने, और उनसे उन्होंने जो दिया वो फाइनल है, उसे आगे और पीछे कोई बताता वो अधूरा है। और उन्होंने जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें सब वर्णन करके आखिर में बता दिया, ये झूठी बाजी पेंड दिखाई, आज माया की नहीं चतुराई, जो मैं व्याख्या तुम्हें कर रहा हूं ये तो सतलोक में है, लेकिन जो तुम यहां देख रहे हो, जो इस माया ने, ये तो झूठी बाजी, उसका झूठा नकल की हुई है, ये वास्तव में वो नहीं है। और ये पेंड कहो, इसे ब्रह्मांड कहो, यही अंड कहो, क्योंकि ये एलिप्टिकल साइज शेप में एक ब्रह्मांड को बंद किया हुआ आकाश तत्व से इस काल भगवान ने, और फिर इसमें, इसी को अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं,
और इस पिंड के भी इसी को कहते हैं कि इस शरीर में जैसे टीवी के अंदर दर्शन होते हैं ऐसे स्थान स्थान पर चैनल हैं, तो उन वास्तविक स्थानों का यहाँ रिफ्लेक्शन दिखा है इस पिंड में, इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं। और इसका ब्रह्मांड का इसके अंदर चित्र है, इसलिए इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और ये एलिप्टिकल शेप में है वास्तव में, इसलिए इसको अंड भी कहते हैं। और ये अनजान संत एक ही चीज को मतलब पिंड के छह चक्रों का ब्रह्मांड में डाल दिया, रिफ्लेक्शन डाल दिया, पिंड के छह चक्रों का पिंड में डाल दिया, अंड के एक चीज को तीन बताकर अपनी अधूरी व्याख्या उड़ जाती। जबकि उसमें साफ लिखा कि जो तुम बता रहे हो ये तो नकल है, ये तो झूठी बाजी, इस पिंड दिखाई, इस पिंड माने शरीर में दिखाई, अंड में कहो पिंड में कहो, और इस पिंड और पिंड से पार सो देश हमारा है, इस अंड पिंड तो अंड पिंड इसने अंड कहो चाहे पिंड को, कदी से पार तो है वो मेरा सतलोक तो वहां पर है। अब ये नकली सतलोक के व्याख्या करने वाले महापुरुष एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा को साक्षात दर्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और फिर उनसे पूछा कि वो उसका आकार क्या है, आकार तो है ही नहीं, केवल प्रकाश और दावनी है, ये इनकी व्याख्या है। अब इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने कुछ नहीं देख रखा, अगर देखा होता तो ट्यूब लाइट बताते, वो ट्यूब की लाइट है, ट्यूब कैसा है, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, किसी जब अंग्रेजी में डिवाइन लाइट कहने लगे क्योंकि हम भाषा भिन्न बोल पड़े तो अच्छे लगे, ये हमारी एक और अनजान हमारे अंदर एक कमी है। अब जैसे हिंदी साफ बोले उसकी बजाय अगर अंग्रेजी में बोल पड़े, आजकल अंग्रेजी बोलने वाले को बहुत महत्व देते हैं, पहले संस्कृत बोलने वाले को देते थे, तो समझ में कुछ ना हो पर बोल रहा है बहुत अच्छा धारावाहिक बोल रहा है, ऐसे ही ये अनजान संत कहें कुछ और करें कुछ। इसलिए पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो पूर्ण संत ही बतावेगा, उसके ऊपर ईश्वर रजा होती है। जितने भी हमारे पूर्वज जिन्होंने दर्शन हुए प्रभु के, उन संतों ने कबीर परमात्मा बताया, आकार बताया उसका, उसी का तेज बताया, उस कबीर परमेश्वर का जो वो सतरूप सतपुरुष रूप में सतलोक में होते हैं, एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उन दोनों की रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश से कम होती है, मंदी होती है, इतना तेजो में शरीर है। और जब वो यहां आते हैं उस वास्तविक तेज के शरीर के ऊपर अपना एक ओवर कोट हल्की तेज का, मनुष्य से थोड़ा सा ज्यादा सुंदर होता है, ऐसा डाल करके आते हैं, मनुष्य जैसे ही है और उसके ऊपर ऐसा ही वो नकाब पहन कर आते हैं। तो ऐसे ये अधूरे संत अब क्या बताते हैं, और भी नमन सत्र के कहते हैं धाम पर आ जाओ। धाम क्या चीज है, पहले हम धाम की व्याख्या करें छोटी सी। धाम कहो उन्हें तीर्थ कहो, ये वो स्थल है जहां पर कोई धार्मिक ऐतिहासिक कोई घटना अर्थात कोई ऐसी कहानी हुई है, जहां पर कोई संत रहा है या उसका कोई वहां पर विशेष चिन्ह रहा है, कोई ऐसा उनका लीला स्थल रहा है, वहां पर उन महापुरुषों के जाने के बाद वहां पर एक यादगार बना दी जाती है, उनका शरीर दफना दिया जाता है और छोटी सी एक यादगार बना देते हैं, उसको ऊपर एक गुम्बद सा बना लो, चाहे ये पता रहे कि कोई उसको स्थान को खराब ना कर दे, उस सच्चाई को बनाए रखने के लिए वो एक यादगार बनती है, बस उसका इतना ही काम है। और उसमें फिर बड़ा मंदिर बना लिया, फिर घंटी बांध ली, फिर बाद में मूर्ति रख ली उसी परमात्मा की, स्वरूप संत की, और फिर वो स्वार्थी तत्व अनुयायी वह महंत और संत पद पर बैठ के आप संत महंत बन के दादा लाई बना ली। अब ये महंत परंपरा कैसे चली हुई है कि जो बड़ा बेटा होगा वो गद्दी पर बैठेगा। गद्दी क्या है, उस नकल उस शास्त्र पर उस साधना को वो शुरू करवाते हैं। अब जबकि उनमें मना होता है उन संतों के अपने लेखों में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे ही फिर वो शुरू करवा देते हैं। वैसे तो ये एक ऐसा बनाया था कि एक रखवाले बनाए थे ये महंत, कि इस स्थान की इस ऐतिहासिक स्थल को बनाए रखें, और इसके रखवाले थे, इसकी मेंटेनेंस कराते रहें, और ऐसे बना था। अब उस पे अनजान संतों ने
मूर्तियां रखवा दी भावुकतावश होके, और बता दिया कि ये वही भगवान मानो, ये उस संत का ही काम करेगी, जो इसके दर्शन कर लेगा बेड़ा पार है, जो इस स्थान पर आकर सेवा करेगा तो पार होएगा, नहीं आएगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है जिन जिनकी उन महापुरुषों ने मनाई की थी और उसके विपरीत तो प्रारंभ कर दी, तो इसलिए वो हानिकारक है। ये दास इसलिए कह रहा है कि वो नहीं करनी चाहिए जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, हमारे सत ग्रंथ साहिब में, हमारे वेद में और गीता में मना है, वो नहीं करनी चाहिए। वो करवा रहे हैं और कर रहे हैं तो हम दोनों धोखे में हैं। तो वो जो क्या होते हैं कि वो फिर जो बड़ा बेटा होता है महंत का, वो गद्दी का अधिकारी, चाहे वो शराब पीओ, चाहे डाके मारता हो, चाहे चोरी करता हो, है और महंत मर जाए मनमाना छोटी उम्र में, तो 2 साल के बच्चे ने कह दे गद्दी पर बैठा दो, बस सुरक्षित रहेगी। ये गद्दी 2 दिन की है, आज मर जाएंगे तड़का गधे बनेंगे, अगर शास्त्र विरुद्ध साधना की तो। यही प्रमाण दिया संतों ने आकर, और इसी से हमें दुख होता है कि हमारे बारे में संत ये है, ये गलत कहता है, हमारी जो है ना गद्दी की बेइज्जती करता है। मैं किसी की बेइज्जती करने योग्य नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ आपके सबका। मैं तो ये बताना चाहता हूँ हमारे संतों ने जिस बुराई को समाप्त किया था, प्रारंभ कर दी जा रही है, ये नहीं चाहिए थी। अब जैसे कोई वैद बड़ा प्रसिद्ध वैद हो और उसकी मृत्यु हो जाए, और फिर उसकी यादगार के लिए कोई मूर्ति भी रख ली होगी, रखे कोई बात ना, और यादगार भी बना दी। अब वो उनके स्वार्थी अनुयायी, उनके वंशज कहें कि ये हमारा दादा है ना, वही वैद समझो, यहाँ आ जाओ, आते रोग कटेगा, चढ़ा जाओ यहाँ पर 10 रुपए, बस क्या बात कही, तो वो गलत है। ऐसे जो मूर्ति रख के मंदिरों में और कहते यहाँ आ जाओ, ये भगवान है, भगवान वाले गुण है, बिल्कुल नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं कि वो पत्थर की मूर्त गोली, वो तो तुमसे मुक्त ना गोली। तो एक वक्त कहने लगा कि गरीबदास जी ने लिखा है कि नामदेव जी ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया, उसके बारे में कहा कि उनके मन में एक थी तुमरे द्विधा भाव, वो तो उस मूर्ति को भगवान देख रहे थे, भगवान मूर्ति नहीं देख रहे थे, इसलिए मूर्ति में भगवान होता है, ऐसा उस भक्त का प्रश्न हुआ। मैंने कहा वैसे तो ठीक है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुमने सोचा है। जिस संत में अपने शब्द नाम की भक्ति की कमाई है, वो डले में भी भगवान प्रकट कर सकता है। तो उस स्थान पर जाके क्यों, वो तो अपने घर न कर ले, अपने घर पर मूर्ति रखी वहां पर भी वो प्रकट कर सकता। आप करके दिखाओ, नहीं आप नहीं कर सकते। अगर उस संत ने मान ले ये दिखा दिया, इस मूर्ति में प्रकाश दिखा दिया था, क्या बात कही, उसकी आवाज निकलती दिखा दी, वो उसने अपनी शक्ति से दिखा दी, अपनी सिद्धि दे। अगर उस संत के पास भी अपनी सही कमाई शास्त्र अनुकूल नहीं होगी, वह सिद्धि भी खत्म और वो भी गदा, दोनों पशु बने। ऐसा है ये नियम, ऐसा बता रहा हूं मैं भक्ति मार्ग का, और किसी का द्वेष या किसी संत विशेष की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा। ऐसा होता है, वो करा सकता है, वो तो कहीं भी प्रकट कर सकता है, प्रकाश दीवार में भी किया जा सकता है और किसी वस्तु में भी प्रकाश प्रकट कर सकते हैं, उसमें से आवाज भी आ सकती है। ये भूत बोलें, आकाशवाणी करें, तो इसे ये मुक्ति मत समझना या उसमें भगवान मत समझना। अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, ग्रंथ साहिब में लिखा होता तो मान लेते, उसमें नहीं है तो गलत है, बस इतना ही दास कहना चाहता है और अन्य नहीं। और यही बुरी लगे उनको जिनकी रोजी बंद हो है, अनजान पड़े में। आज तो रोजी हम मजदूरी करके भी पूरी कर सकते हैं, आगे हम कुत्ता बनेंगे, खाज लगेगी और कोई ना पूछे फिर इसमें 2 दिन की महिमा ने। गरीबदास जी कहते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोटनंत और 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। ये तो चाहिए नहीं हमने, जिस पदवी के ऊपर हम लठ बजावे, गोली चलावे, हत्या कर दे, एक ही गांव में और 2 आश्रम एक का पंथ के, और उनके आपस में गोली चले और ये भोली आत्मा वहां जाकर कल्याण चाहे उनके लिए। गरीबदास जी कहते हैं काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं, और जो उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। बैदा क्यों जाने, हमने सतगुरु भेंटे नो जाने। जो काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं, जो गोली तो मार दे आदमी ने एक दूसरे ने आपस में, सिर्फ अपनी मान मेहनती के कारण, अपनी रोजी रोटी के लिए, और फिर वहां कल्याण के लिए जो जाते हैं उनके लिए। गरीबदास जी कह रहे हैं, ये दास नहीं कह रहा,
गरीबदास जी कह रहे हैं कि काटे शीश नहीं दिल करुणा, जिनको दया नहीं, और वो क्या के संत, कहे के संत, वो जग में साधकों आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं, ये भी बैदा है। वहां तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए ऐसे संत, जो ऐसे व्यक्तियों के। तो ऐसे ये दास नो बुरा लगेगा आपको, क्योंकि मैं वो बता रहा हूं जो हमारे भगवान ने आके बताई, और वर्तमान के संतों और महंतों ने ऐसे दुश्मनी की थी उस परमात्मा के साथ, जो आज उन्हीं के आश्रमों में बैठकर वो आनंद पा रहे हैं, और ये दास उनको भी बता रहा है कि तुम सावधान हो, अब वो भी सिंह ठावे, अक हमारी बुराई कर दी, मैं कोई बुराई करने का ठेका नहीं ले रखा, मैं तो ये ठेका ले रखा सत बताने का, और वह सत बुराई लगे। कबीर साहब कहते हैं, सच कहूं जग मार ही झूठ कही ना जाई हो, सच न पूरा पावे ते झूठे जगपति आई हो। साची कहूं तो जग मारे, पर झूठ कही ना जाई हो, झूठ हमारे पर कही नहीं जा सकती, कहेंगे तो सती कहेंगे अंतिम सांस तक, और वो प्रमाण होगा हमारे शास्त्रों में, अगर वो स्वीकार्य नहीं है उस किसी भी को, तो वो अपनी उसकी मौज है। तो ये दास इसलिए प्रार्थना कर रहा क्योंकि मैं स्वयं दुखी था, और ये मनुष्य शरीर बर्बाद हो रहा। गरीबदास जी कहते हैं, तुमको तो कहते हैं ये क्या बात हुई, और हमको मुश्किल हो रही, तुमको कहती बात, अमनत या भार्य बात होगी, परमात्मा ये कहां ले जा रहे हैं संत, इन बोली आत्माओं के बेचारे, ये तो विश्वास करके इनकी उंगली पकड़े जा रहे हैं, और ये अंधे स्वयं, और अंधे की उंगली अंधे ने पकड़ रखी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध ज्ञानहीन कहलाता है। शास्त्र के विरुद्ध साधना क्रिया जो बताई जा रही है वो ज्ञानहीन, ज्ञानहीन अंधे, यानी ज्ञान वाली आंखें नहीं उनके, और उनके अनुयायी तो बेचारे अंधे थे ही, तो वो शाना चतुर अंधा है जो शास्त्र विरुद्ध साधना बतावे, कहता मंदिर मूर्ति में भगवान सो जाओ, यहाँ पर पूजा चढ़ा जाओ, यहीं से स्थान से मुक्ति होगी, हैं ये मूर्ति वही काम करेगी, वो अंधा स्वयं। और जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया परमात्मा आकार में है, वो कैसा है उसका, कैसे फिर उसकी वे ऑफ वर्शिप कैसी है, मान ले बता भी दिया पढ़ पढ़ा कह के शास्त्रों को, फिर उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है तो व्यर्थ, पूजा की विधि सही नहीं है तो व्यर्थ, सत भक्ति नहीं है तो व्यर्थ। इसलिए सारे ही जुगाड़ जुड़कर जब चलेंगे, मान लिया किसी ने टायर में हवा भर ली, इंजन खराब, तो इसका मतलब वो चलेगी थोड़ी, वो तो सारी ही बस की कार की सब क्रियाएं सब पुर्जे कल पुर्जे ठीक होंगे तब वो अपना सुचारू काम करेगी, ऐसी ही भक्ति मार्ग है। तो उस समय के गुरु और संत कबीर साहब के दुश्मन हो गए, और फिर धर्मदास जी से कहा कि भाई धर्मदास अब तू इस सत कथा का प्रचार किया करे। धर्मदास जी ने जो सच बताई बताना शुरू किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा हैं, और ये अजर अमर नहीं है, ये मृत्यु में है, ये तीर्थों पर नहीं जाना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, ये धाम पर नहीं जाना चाहिए। तो कोई नहीं सुने, कह तू अच्छा पागल हो गया। तब कबीर साहब से कहा परमात्मा कोई नहीं सुनता, अब क्या करूं। तब कहा था कि जो भी हंसा होगा मोरा धर्मदास वो आवा दौड़ा, तो अपने प्रचार करता रहे, जो मेरी आत्मा होगी वो सुन के सत को आएगी। कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, जब विद्वान पुरुष बुद्धिजीवी सुनेंगे तो इस बात को तुरंत स्वीकार करेंगे और त्याग देंगे और नकली संतों और महंतों को, और तेरे पास आओगे अपना कल्याण करवाओगे। और मूर्ख से वो अनजान उन बांध रखे, उनकी आंखें नीला थोता भर दिया ज्ञान का, तो वो बेचारे उनके लटके रहेंगे। वो फिर उनके लिए कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम की इनकी देगड़ जोठ, जो इतना प्रमाण देख कर भी नहीं मान, उनका पूछ लगा बंधे हुए वो तो मूड है, मूर्ख लिखा गीता जी में भी। तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं वो दुष्कर्तिन राक्षस स्वभाव के, वो तो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो राक्षस स्वभाव के हो गए शास्त्र विरुद्ध साधना करने से। तो वो मूड मुग्ध ठोठ, वो तो उन्हीं का लगे रहो, उन मूर्ख संतों के चक्कर में पड़े रहो, और जो बुद्धिजीवी होंगे वो तुरंत आएंगे धर्मदास तेरे पास और अपना कल्याण करवाएंगे। फिर आगे बताया कि धर्मदास ऐसा ही नहीं है, आगे भी भविष्य में मेरा जो सतमार्ग कोई दर्शन करेगा संत, उसके साथ उस समय के वो नकली संत और महंत दुश्मनी बढ़ाओगे, राड बढ़ाओगे। जो मम संत सत सब दलडावे, उसके संग सब राड बढ़ावे, अस संत मंतन की करनी, धर्मदास में सुनाऊ वर्णी। उस समय इन संतों और महंतों के ये लक्षण होंगे, ये नकली जो दुनिया को गुमराह कर रहे होते हैं,
वो उनके दुश्मन होंगे उस संत के, पर मैं उसके साथ रहूंगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य का अंत नहीं होता। अब तो ये सारी सच्चाई कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, सब शास्त्रों का बिल्कुल सामने पर्दे पर इसको फीड कर दिया गया है, कैसेटें बन गई हैं इनकी, सीडी बन गई हैं, और ये अब वेबसाइट पर भी पहुंचने वाली हैं। अब ये क्योंकि पिछला जन्म कई वर्षों का ये अज्ञान दे रहा हमारे दिमाग में, नकली संतों ने ठोक रखा है, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा और फिर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे क्रम से आरे, और प्रेम की पवन करे चतमंदन फिर जल के तेज नारे। कबीर साहब कहते हैं तारा मंडल बैठ का ये चांद बड़ाई खा, उदय हुआ तब सूरज का यू सो तारा छिप जा। जब ये सत्ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, उस समय ये सब अधूरा अज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये नकली संत और महंत ऐसे दिखाई देंगे जैसे सूर्य उदय होने पर ना चांद दिखे ना ये तारे सितारे दिखाई दे, क्योंकि हमारे शास्त्र हमारे साथ हैं और शास्त्र हमारे एक नंबर के प्रमाण हैं। इनसे अलग जो साधना करें वो पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक ठीक नहीं, जो सिलेबस से अलग पढ़ा रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है, हमने इसके आधार पर पढ़ना होगा। ये दास इसलिए बार बार कह रहा है, हो सकता है कि इस दास से कोई आवेश में थोड़ी सी कड़वी बात भी निकल गई होगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। और जानकार आदमी को पता होता है कि ये बच्चा आग में जा रहा है, ये कुएं में गिर रहा है, भाग रहा है, आवाज लगा रहा है भाग लो बचाओ बचाओ, तो इसलिए अब ये समाज भक्त समाज जो है इन अज्ञानी संतों और महंतों के चक्कर में और उसमें कुएं में पड़ रहा है, अब इसको बचाना है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को निराकार भी बताया जाता है, और आप जो है मेरे बारे में कहेंगे सोचेंगे भक्तात्मा कि आप केवल साकार साकार पर जोर दे रहे हो। परमात्मा की दोनों स्थिति हैं, आकार में वो वास्तविक और वास्तविक है और वास्तविक लाभ देता है, निराकार रूप में उस परमेश्वर की शक्ति है, वो निराकार रूप में काम कर रही है, स्वाभाविक कर रही है। जैसे वायु में जल होता है, जल एक गिलास के अंदर बहुत ठंडा पानी डाल दें, बर्फ के तुल यानी बर्फ मेल्ट हुआ हुआ या फ्रीज से, हृदय में जैसा कि परमात्मा साकार और निराकार है, जैसे गिलास में बर्फ का पानी, पिघली हुई बर्फ का यानी फ्रीज का पानी डाल दें और उस गिलास के बाहर भी मॉइस्चर आ जाते हैं, जल के कण दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, वो जल वायु में था, वायु ने छोड़ दिया, लेकिन वो पहले जो जल निराकार रूप में था वो स्वाभाविक काम कर रहा था, विशेष काम नहीं कर रहा था। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप में अपनी शक्ति छोड़ रखी है और विशेष परिस्थिति जब होती है वो स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे वायु में जल है लेकिन वो जल हमें ना पानी पिला सकता, प्यास बुझा सकता, ना कपड़े धोने के काम आ सकता, ना सिंचाई के काम आ सकता और ना ही स्नान के काम, वो अपना केवल स्वाभाविक कार्य कर रहा है। जब परमात्मा अर्थात वर्षा होती है, ये सब ताल सुबर भर जाते हैं और सब जगह सिंचाई होती है, पशु पक्षी पानी पीते हैं, चारा चरते हैं, तो विशेष लाभ दिया जब आकार में जल आया। ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप में अपना स्वाभाविक कार्य कर रहा है, उनकी अपनी शक्ति छोड़ी हुई है और स्वयं वे अपने स्थान पर सतलोक में कबीर परमेश्वर आकार में रहते हैं। और जब ये वो यहां पर भी आकार में आते हैं, हमें विशेष लाभ देकर जाते हैं। अब सभी परमात्माओं का आकार है और उनका निराकार, उनकी निराकार शक्ति सता
उनकी जुरिडिक्शन में है, उनकी सीमा क्षेत्र में भी व्याप्त है। जैसे प्रधानमंत्री अब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उसकी निराकार सत्ता व्याप्त है और वो स्वयं आकार में अपने विशेष स्थान पर रहता है। बाकी उन्होंने स्वाभाविक अपने नियम बनाकर के सबको व्यवस्थित किया हुआ है। प्रत्येक स्टेट अर्थात राज्य का बजट बना हुआ है, वो स्वाभाविक निराकार सत्ता उस राजा की सब में काम कर रही है और स्वाभाविक लाभ दे रही है। अब जैसे फ्लड आ जाता है या कहीं और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वहां पर ज्यादा ही हानि हो जाती है जान और माल की, उस माल की अक्षति पूर्ति करने की उस राज्य की उस स्टेट की हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, उनके पास इतना वित्त नहीं होता। एक बार हरियाणा में फ्लड आया था सन 1995 में, उसमें हरियाणा सरकार का पेपर में आया था कि कुल बजट 600-650 करोड़ लगभग था सारे इस वर्ष का, और उसमें अक्षति होगी 600 करोड़ और एक्स्ट्रा, उसकी पूर्ति स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। वो तो राजा का स्वाभाविक, उस परमात्मा उस राजा की स्वाभाविक सत्ता के आधार पर वो कार्य था। अब उस प्रधानमंत्री कोष से 600 करोड़ रुपया हरियाणा को दे दिया गया, अक्षति पूर्ति होगी, वो उसका विशेष लाभ है। स्वयं राजा लोग भी आते हैं उस स्थिति को देखने के लिए, प्रधानमंत्री भी आते हैं, आकार में आए और उनको आदेश दे दिया, और वहां रहते रहते भी आकार में है, अपना विशेष ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसे कबीर परमेश्वर जब आए, उन्होंने जो हम प्रभु के गुण सुना करते थे, मुर्दों को जीवित किया, रोगी को आरोग्य किया, निसंतान को संतान दिया और रंग को राजा बना दिया तैमूर लंग को, ऐसे परमात्मा आकार में जब आते हैं वो विशेष लाभ देते हैं। सत भक्ति मार्ग दी, आत्म कल्याण किया, स्वयं गुरु बने, स्वयं दास बने और स्वयं परमेश्वर थे। अब निर्गुण और सरगुण के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी अपनी थ्योरी सब बना रहे हैं, लेकिन हमने शास्त्रों के अनुसार चलना होगा। अब जैसे वायु निराकार रूप में अपना स्वाभाविक कार्य कर रही है और जब इसका कुछ मर्यादा नियम बनाकर एक ट्यूब बना ली, उस ट्यूब के अंदर हवा भरी, फिर टायर में डाली, अब वो 200 क्विंटल वजन को वो थोड़ी सी हवा उठाए फिर रही है और वैसे 10 ग्राम वजन को वायु नहीं उठा सकती। ऐसे जब परमात्मा आकार में आते हैं, वो अपना एक विशेष व्यवस्था में नियम बनाते हैं, वो शरीर में यहाँ पर प्रगट होकर आते हैं, वैसे तो आकार में वो है ही है, अपने शरीर के ऊपर एक और प्रगट और शरीर डाल करके और उनके अंदर वो अपनी ही वायु राम नाम की, शरीर में अपनी ही शक्ति वो वायु होती है। जैसे संत होते हैं ऐसे ही परमात्मा आकार में आते हैं तो विशेष लाभ देते हैं। अब जैसे इस दास के शरीर में एक ट्यूब टायर समझो, इसमें राम नाम की उस हवा भरगी तो अब इससे विशेष लाभ होगा। ऐसे ही परमात्मा अपनी शक्ति युक्त स्वयं आते हैं तो विशेष लाभ देते हैं, चाहे वो तीन लोक के प्रभु रहे हैं चाहे वो सतलोक के प्रभु रहे हैं। अपने अपने अक्षमता के आधार पर तीन लोक के प्रभु भी लाभ देते हैं। जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण और श्री राम आए थे, श्री कृष्ण रूप में जब आए थे उन्होंने भी काफी लाभ दिए थे, तो वो आकार में आए तो विशेष लाभ दिया। जैसे सुदामा का दारिद्र विनाश किया, कुब्जा का कुब ठीक किया और कंस जैसे राक्षस का वध किया, तो परमात्मा आकार में आए तीन लोक के भगवान अपना, तो उन्होंने विशेष लाभ दिया और आम लाभ निराकार शक्ति उनकी वो अपने जुरिडिक्शन में फिर भी दे रही होती है तीन लोक के अंदर। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा भी लाभ देता है और तीन लोक के भगवान भी लाभ देते हैं।
लेकिन जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब लाभ देगा वो तीन लोक के भगवान कभी नहीं दे सकते। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हमारे जन्म और मृत्यु को भी विनाश नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु की उपासना से जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, इनकी भी नहीं हो सकती। इनके पिता काल की भी जन्म मरण और मृत्यु है, जैसे गीता जी के 4वें अध्याय का 5वां श्लोक में ये काल भगवान गीत श्री कृष्ण में प्रवेश किया हुआ स्वयं बोल रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये काल और इस काल के तीनों पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तीनों ही जन्म और मृत्यु में हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का नीचे ही श्लोक नंबर 5 है, ये स्पष्ट सीधा ही। हे प्रणतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात ये काल भी जन्म मरण में है, और जिसको इनके पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव को ही ये नादान संत अजर अमर बता रहे हैं, मृत्युंजय बता रहे हैं। तो ये ही मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई कहां है। तो कबीर परमेश्वर हमें दोनों सुख देगा, यहां पर भी लाभ देंगे, हमारे घर में भी सुख, तन में भी सुख, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म से ज्यादा हमें यहां लाभ देंगे, और फिर जन्म और मृत्यु का रोग काट कर सतलोक ले जाएंगे। वहां जाने के बाद हमारा ऐसा ही शरीर होगा, लेकिन वो तेज पुंज का होगा। हमारे शरीर का वहां पर 16 सूर्य जितना तेज होगा, ऐसा ही मनुष्य जैसा ही होगा। और वहां फिर हमारे हमारे से जो उत्पत्ति होंगी वो हमारे शब्द से संतान होगी, तो वो कभी मरेगी नहीं, हमारे सामने हमारे साथ रहा करेगी। और हमारे भी जन्म मृत्यु नहीं है, वहां पर कोई रोग नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। अमृत आहार है, कोई काम नहीं। तो हम सतलोक चलेंगे, वहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, वहीं से हम आए हैं। अब निर्गुण और सरगुण के ऊपर बात चल रही है कि गरीबदास जी कहते हैं फूल सही सरगुण कहा, ये निर्गुण गंध सुगंध, फूल तो सरगुण समझो और उसमें से निकल रही वह सुगंध वो निर्गुण समझो, उसका प्रभाव वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आई आकार वाली वस्तुतः है। ऐसे ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, जो ये आकार में अपने लोक में है, और उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट, उनकी रेंज बनी हुई है। ये काल ने रिमोट से इनसे काम लेता रहता है, और इनके अंदर जो भर दिया उन्होंने रजगुण सदगुण तमगुण, इनसे सब जीवों को प्रभावित रखता है। अब जैसे रसोई में छोंक लगे और छींका हुआ तीसरे कमरे में, तो वह मूल वस्तु तो रसोई में, उसका निर्गुण प्रभाव पहुंच गया उस तीसरे कमरे में छीकम छीक। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोकों में, और वहां से इनका प्रभाव हमारे तीनों लोकों में आ रहा है, और जिसके कारण हम यहाँ पर जैसे रजगुण के दबाव से हम यहाँ संतान उत्पत्ति करें, हमारे अंदर ये काम प्रभावित हो जाता है, और फिर यहाँ की भौतिक सुविधाओं को जोड़ने में हमारी वृत्ति लग जाती है। ये रजोगुण प्रभाव ब्रह्मा जी के कारण है, और सतोगुण प्रभाव उसके सत से सतीथी बनी रहती है। जैसे बहन भाई का प्यार, मात पिता का मैं प्यार, पति पत्नी में अपना प्रेम, और साथ में अपनी संपत्ति का लोभ मोह, बेटा बेटियों में प्यार हमारा मोह, ये भगवान विष्णु की कृपा से, ये सतोगुणतम रिश्तेदारी में भाव बना रहना, और तमोगुण में भगवान शिव की कृपा, कितना प्यारा रिश्तेदार हो, एक मिनट में लड़ाई हो जाए, मुकदमे बाजी लठम लठा, कितना प्यारा व्यक्ति हो, बेटा भी क्यों ना हो, बाप से बात कर रहा हो, बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं, और एक बात पर अनबन हो जाए, मुक्का मुक्का वो उसका मुक्का दर दे, पिताजी एक मिनट में गढ़ दे पुत्र ने, तो ये तमोगुण शिव जी की कृपा। तो इन तीनों गुणों से प्रभावित ये प्राणी इस काल के द्वारा किया जा रहा है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब फूल सही सरगुण कहा, ये निर्गुण गंध सुगंध, और मन माली के बाग में यह बहुर रहा काबंद है,
ये काल मन रूप में है, स्थित 21 ब्रह्मांड में है। और इस भंवर को कहते हैं, इस आत्मा को, कि तू कहां ये नाना प्रकार के आनंद लेता फिर रहा है, कित फंस गया तो इसके लोक में है। इस काल रूपी माली ने ये तुम्हारे को फंसाने के लिए नकली सुख दे रखे हैं, अब निकलो यहां से। अब सरगुण निर्गुण हुआ और साकार और आकार। साकार में हमें ज्यादा लाभ होता है, निराकार से नहीं होता इतना। जैसे बीज वृक्ष के अंदर, आम के बीज में, गुठली में आम का पौधा निराकार रूप में है, वो बता के काम आया मारे। अब उसको बीजा गया, जमीन में बीजे और फिर पौधा हुए, फिर उसकी परवरिश करें, उसकी फिर संभाल करें, फिर वो बड़ा होकर वृक्ष बना, और वृक्ष बनकर फिर उसको फल लगे, मीठे मीठे फल लगे। अतिथि को या छाया हुई, यानी पंथी को छाया हुई, रास्ता चलता व्यक्ति या खेत में काम करने वाला व्यक्ति मजदूर वहां अपना उसकी छाया में बैठा, ऊपर देखा जब मीठे मीठे फल वो तोड़ के खाए, पक्षी ऊपर केल कर रहे हैं, तो सरगुण में आया तो लाभ हुआ। और निर्गुण आम का पता करें कि व्याख्या करें, जब वो निर्गुण है, वो तो आम तो निर्गुण है, वो तो दिखाई नहीं देता है, वो तो बड़ा गुठली में है, तो वो तो है पर आकार में चाहिए हमने। ऐसे परमात्मा आप आते हैं या अपने संत में अपनी शक्ति राम नाम की हवा भर देते हैं। एक चलते फिरते संत जो है पावर हाउस होते हैं, और उनका वायरलेस कनेक्शन होता है प्रभु की पावर का, उससे जो कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे नाम ले लेते हैं, उनकी सब शक्ति से कनेक्शन जोड़ दिए जाते हैं, तो उनसे फिर वो लाभ होता है। ऐसे ही ये सरगुण और निर्गुण, साकार और निराकार की व्याख्या कबीर परमेश्वर ने बताई, जो इस दास को सही लगी और पूरी उतरी, और उसी की व्याख्या आज आप सब समाज के सामने ये ढोल के डंके पर सुनाना चाहता है। और पूर्ण परमात्मा का लाभ पूर्ण संत ही दे सकता है, पूर्ण परमात्मा के बिना हमारी कभी गति नहीं हो सकती। अब गीता जी में लिखा कि तीनों गुणों की भक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए लोग करते हैं। तीनों गुणों तक की भक्ति, जिनका इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, सातवें अध्याय का 12 से लेकर और 15 तक श्लोक आपको सुनाऊंगा। अब ये सच्चाई बहुत देर से स्वीकार्य होगी, इसलिए दास बार बार रगड़ा लगा रहा है सत्य ज्ञान का और इन शास्त्रों को दिखाने का। गीता जी देखिएगा, ये अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 है, ये 12 नंबर श्लोक है। और भी जो सतगुण सात्विकता सात्विका सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से तथा तमगुण तमोगुण से रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, ये काल कह रहा है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब आगे देखिए, फिर से 13वें श्लोक में है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस और तामस, ये तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब वास्तव में इसका सरलार्थ कुछ और बनेगा, लेकिन अभी इसी को लेकर हम चलेंगे जो इन महापुरुषों ने टीका किया है, क्योंकि इसको सब स्वीकार किए हुए है। अब इससे सिद्ध हो गया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, इनके द्वारा, ये तीनों गुणों के द्वारा ये संसार मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों की पूजा में उलझा हुआ है, इसलिए मुझ को नहीं जानता। फिर इसी के श्लोक नंबर 13 में देखिए, क्योंकि यह गुण देवी अलौकिक त्रिगुण मेरी माया, त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवरूपी, ये त्रिगुणमयी मेरी माया,
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, क्योंकि आप बनावा यो काल इनको विचारों को ब्रह्मा विष्णु महेश को रजगुण सदगुण तमगुण और फिर इन्हीं को बुराई दे, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको बजते हैं, निरंतर बजते हैं, वे इस माया का को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब देखो यहां ध्यान से सुनना होगा कि ये त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि तीनों गुणों का जिक्र चलता रहा, वही त्रिगुणमयी माया। अब पंद्रहवें में देखो, कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच है, जो इन्हीं तक की पूजा, इन्हीं तक के प्राप्त दी जाने वाले अक्षिणिक लाभ को प्राप्त कर कर उसमें राजी रहते हैं, दूषित कर्म करने वाले, इन तीनों गुण की पूजा को दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कहा है, मूर्ख, और मुझे नहीं बजते अर्जुन, माम ने प्रबदंते। अब यहां देखिए कितना स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि ये तीनों गुणों तक की पूजा और इनके द्वारा दी जा रही राहत पर आश्रित हो गए, जो पूजाएं कर रहे हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। अब यहां थोड़ी सी समस्या और आती है कि ये अनजान संत आपको बहका देते हैं, कहते हैं ये कहां लिखा तीनों गुण, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर ये भी दास आपको सिद्ध करना चाहेगा क्योंकि अंधेरा घना हो गया। मुझे भी बड़ा शंकाएं हुआ करती थी, मैं भी बड़ा इस बातों से दुखी रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण और सुनते रोज थे रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, लेकिन फिर भी स्वीकार ये ना होती कि वास्तव में ये तीनों गुण यही है। लेकिन ये प्रमाण हमारे शास्त्र पूरा सिद्ध कर देते हैं, फिर ये संशय दिमाग को नहीं रहता और ना ही हमें कोई बहका सकता है, ना कोई हमें गुमराह कर सकता कि हम गलत कह रहे हैं। ये है देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है, देवी भागवतम सभास टीकम, अथ देवी भागवतम सभास टीकम सह मातमम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। यह है तीसरा अथ श्री मद भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते प्रारंभते, ये तीसरे सकंद में ये भगवान शिव कह रहा है, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, किस लिए बना दिया मात आपने नियुक्त किया है, देखो किस लिए नियुक्त युक्त किए हैं, हम कैसे बना दिए। अब संस्कृत है देखा ना इसमें, यदि दया धर्मना, दया धर्मना यदि हमारे ऊपर आप दयावान हो तो स ने स अदम विके कथम अहम विहित, और ये देखो तमोगुण है, मुझे कैसे तमोगुण बना दिया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, कमल जय ब्रह्मा का एक उपमात्मक नाम है, रजोगुण संभव है, इसको कैसे रजोगुण बना दिया, सुवीत है और किमम सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने क्यों सतोगुण बना दिया, ये उलझा रहे हम सभी इन जीवों को उलझाए बैठे हैं। ए माता यदि आप हमारे पर दयावान हो दयालु हो तो हमें कैसे इन जीवों को उलझाने के चक्कर में हमें क्यों डाल दिया माता आपने। तो अब देखो ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये प्रमाणित हो गया, और इसके बारे में गीता जी के सातवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस तीनों गुणों के उपासक, क्योंकि यहां प्रश्न आ रहा है मेरी भक्ति नहीं करते, इसका मतलब भक्ति का जिक्र चल रहा है। ये देखो चौथा, ये 14वें में है कि क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर खतरनाक है, जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, मेरा जाप करने वाले इन तीनों की पूजा तो त्याग देते हैं तो उनका इनसे ऊपर उठ जाते हैं। नीचे देखो 15वें में,
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इन तीनों गुणों की पूजा तक ही जो सीमित है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए असुर राक्षस स्वभाव के बताए हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, आश्रिता धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच कति घटिया व्यक्ति बताए हैं। ये देखो दास नहीं कह रहा, ये अपनी गीता कह रही है। और दूषित कर्म करने वाले, ये तो मूर्ख निकम्मे कर्म है, ये तो तीनों गुण तक की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। ये देखो मूढ़ा मूर्ख लोग, और मुझे नहीं बजते अर्जुन, अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते। इशारा करता है कि मेरी पूजा करो, ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये असुर स्वभाव के कैसे बताए हैं, एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा, कुंभ पर्व हुआ, और कुंभ पर्व पर क्या होता है कि ये सभी नाना पंथी नाना पूजा करने वाले, कोई गिरी कोई पुरी कोई वैष्णो कोई नाथ कोई औगढ़ कोई नागा, ये सभी वहां स्नानार्थ उस निश्चित समय स्थित किया हुआ निश्चित किए हुए समय पर पहुंच जाते हैं। और ये अनजान अटकल लगाने वाले कहते हैं इस समय पर भी लगेगी, उसमें जो स्नान कर लेता उसका बेड़ा पार है, ये शास्त्र विरुद्ध है। इन कुंभों में स्नान करना गीता में नहीं लिखा, और जो गीता में नहीं लिखा वो व्यर्थ साधना है, बिल्कुल सत की सत समझना। तो वो कोई समय और दिन निश्चित किया जाता है, उस दिन इस समय पर भी लगेगी, उसमें उस दौरान उस समय के दौरान कुछ समय होता घंटे दो घंटे का, उसमें जो स्नान कर ले तो बेड़ा पार है, किसी भी सरोवर में या दरिया में। ऐसा ही एक बार कुंभ का पर्व हरिद्वार में हर पेड़ियों पर नहाने का एक निश्चित समय और स्थान बनाया, दिन और समय बनाया बताया। उस निश्चित दिन को के उपलक्ष में ये नाना प्रकार के उपासक, इन तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक के जो उपासक थे, ये सब गिरिपुरी वैष्णु नागा नाथ ये सब वहां पहुंच गए। अपने अपने नारे अलग अलग से इनके शिविर लग जाते हैं, अपने अपने पंथ के अपने अपने उन खेमों में इकट्ठे हो जाते हैं, पहुंच गए वहां हो गए। आज से लगभग 100-300 वर्ष पूर्व की बात है, उस समय यह दुर्घटना घटी थी। जब वो नहाने का समय आया, उस समय स्नान करने के लिए प्रस्थान कर दिया अलग अलग से सारे के सारे पंथों के सभी संतों ने अपने अपने समुदायों के, लंबी लाइन लगा के सबसे पहले हर पैड़ियों के ऊपर नागा महात्मा पहुंच गए। नागा जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, उसके बाद फिर अन्य संत वैष्णो परंपरा के वहां पहुंच गए। नागा ने कहा कि सबसे पहले हम स्नान करेंगे और बाद में बाकी स्नान करें, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निच्छा निर्गंध हैं, हम वस्त्र तक नहीं धारण करते। इस बात पर विष्णु उपासकों ने, वैष्णो साधुओं ने कहा कि हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम काहे के श्रेष्ठ हो। नागाओं को कहा वैष्णो साधुओं ने, तुम हम श्रेष्ठ हैं। नागा कहते हैं नहीं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णो साधु ने कहा कि तुम नंगे फिरो पशुओं की तरिया, नाना ना धोना ना शरड फिरड, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हैं। अब इन बातों पर वो स्नान तो भूल गए और लठम लठा मुक्क मुक्क तलवार निकाल लाए। तो वहां पर 25,000 वो संत कहलाने वाले वो महात्मा, जिनको दुनिया महात्मा कहा करती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, जैसे गीता जी बतावे, गीता जी का एक अक्षर भी गलत नहीं है, इसमें जो लिखा वो सही है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, कोई कहे कि शराब मत पियो, विनाश हो जाओगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, शरीर में नुकसान बनेगा। अब मना किया गया फिर पी रहे हैं तो उसकी हानि तो होगी ही होगी। ऐसे गीता के विरुद्ध साधना वो समझो, मना की हुई वस्तु को हम कर रहे हैं। तीनों गुणों की पूजा का ये हाल है।
अब क्या हुआ कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए वो दोनों दोनों गुटों में झगड़ा हो गया आपस में। 25,000 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, हत्या होगी, वो कर दिया आपस में एक दूसरे ने। अब संत और ऐसे जुल्म करें तो इसके बारे में कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, उन्हीं से प्राप्त ज्ञान गरीब दास जी क्या कहते हैं कि हर पैड़ी हर हेत न जाना, और वहां जाते एक जलावे हैं और कट ऐसी नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हर की पैड़ी भगवान का वहां पर स्थान है, और भगवान के प्रति तुम्हारा प्यार भी ना होया, उसके प्रति तुम्हें कोई भय भी ना बना, कोई प्रेम भी नहीं जागृत हुआ तुम्हारे अंदर, नादानो तुम। एक तरफ तो हर की पैड़ी कहो और उनके प्रति तुम्हारा प्यार भी नहीं, वहां कतलेआम कर दिया। हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जा तेग जलावे हैं, तेग माने तलवार है, और कट है शीश नहीं दिल करुणा वह जग में साध कमावे हैं। ये बोड़ी भक्तात्मा उन राक्षसों जैसे व्यक्तियों को संत मानती है, ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं कि कट है शीश नहीं दिल करुणा वह जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ज्ञानी पुरुष तो निकट नहीं जावे, जिनको ये परिभाषा प्रभु की सुन दी, जिनके समझ में आ गई, वो तो इनके दर्शन भी नहीं करे। जो केवल तीनों गुणों तक की भक्ति बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और नीचे पितर पूजवावे, भूतां की पूजा श्राद्ध निकलवावे, फिर पिंड भरवावे। कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट नहीं जावे, वो तो मूर्खों को रीझ रे जावे हैं, ये भी वैदा है, वैदे से वेद लेता। अब नौवे अध्याय का गीता जी का, इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और मेरा भक्त मुझे मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ब्रह्म भी कहता है कि मेरी भी भक्ति अच्छी नहीं है, वो तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से बात बनेगी। ये गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर देखिए 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। अध्याय नंबर 9 अर्गे नीचे बीच में देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, भूतों की पूजा करने क्या है, पिंड भरवाना, 13वीं मनाना, ये भूतों की पूजा, 17वीं मनाना, और पितर पूजा, फिर श्राद्ध निकालना। इनकी पूजा करने वाला उन्हीं वही भूत बन जाएगा, पितर बन जाएंगे। ऐसे ये गलत साधना है, शास्त्र विरुद्ध है, ये नहीं करनी, गीता में मना है। अब कहते हैं क्या हो गया, वो भी कर लें और ये भी कर लें, कभी नहीं। 100 वर्ष तक सच्ची पूजा सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, एक दिन आन उपासी, एक दिन भी श्राद्ध निकाल लिया, पत्थर पूज लिए या कोई और पूजा कर दी या कोई देवी देवताओं की पूजा कर दी, तो 100 वर्ष तो सच्ची पूजा सतगुरु की बताई हुई, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अब बढ़िया हलवा बना के और इसमें इतना रेत डाल दिया, क्या फायदा उसका बनाने का, इसे अच्छा तो ना बनाता। तो ये सत भक्ति करनी है तो ये सब पूजाएं छोड़नी होंगी हमने। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों तक की भक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति, होए होए इससे नीच और के होगा जो आदमी ना आदमी मार दे और भगत को आवे। ये दुष्कृतिन बताए, दुष्कृतिन माने बुरे कर्म, और उनका परिणाम बुरा हुआ। अब इनको हम संत समझे और वहां कतलेआम बना दिया। अब ऐसे ही जैसे रावण भगवान शिव का उपासक था, और भगवान शिव की वैसे तो विद्वान पुरुष था, वेदों को पढ़ा था, पंडित था, वेदों में क्या कमी छोड़ी है इस ब्रह्म भगवान ने, छर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, ज्ञान तो दे दिया पूर्ण परमात्मा का, और वे ऑफ वर्शिप दे दी अपने तक की, और उसमें भी जैसे शिव विष्णु ब्रह्मा आदि नाम जो आए हैं वेदों में, तो इन्होंने अनजान पने में इन्हीं त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश को मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन्हीं का नाम है, और उस शिव की महिमा गाई हुई है कि शिव बड़ा शक्तिमानशाली है। वो शिव और है, शिव का अर्थ है जो हम इन हमारे दुष्कर्मों ने काट दे, विनाश कर दे।
कल्याण करे। और वो शिव है कबीर परमेश्वर, जो हमारे पाप कर्मों ने काट दे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से तीन लोकाले नहीं काट सकते, वो हमारे जन्म मरण के रोग को खत्म कर दे, ये नहीं कर सकते, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा शिव कहलाता है। और विष्णु वो वास्तव में विष्णु वो है ही, क्योंकि आपने देखा कि पौधे से खुराक चलती है। गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा कि ये उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है और उसके ऊपर ने जड़ नीचे को शाखाएं। अब इस सत भक्ति हम पूजा करेंगे, सत भक्ति करेंगे तो ऐसे करनी होगी, इस मूल की पूजा करेंगे। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 में लिखा है श्लोक में कि दो भगवान है, ये छर ये अक्षर, ये छर तना है, अक्षर तना है, अक्षर तना है, और छर ये ब्रह्म है, ये नाशवान है, ये निरंजन है, और जड़ है ये पूर्ण ब्रह्म। गीता जी के 15वें अध्याय के 17-16 श्लोक में लिखा है कि छर चाहे अक्षर है, दो पुरुष है, ये अक्षर ये पेड़ तना समझो, और ये छर ये ब्रह्म, ये पर ब्रह्म, दो भगवान है। और लेकिन वास्तव में गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि वास्तव में उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वास्तव में भगवान तो कोई और ही है, उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो कबीर परमेश्वर है। वो अन्य जो भगवान है वो है पूजने योग्य, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी जड़ खुराक जड़ से चलती है, ये ऊपर तक जाती, ये वास्तव में विष्णु है, ये जड़ कौन है, वो अन्य भगवान, वो कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सत्पुरुष है, सभी संतों ने बताया, सभी ग्रंथों ने बताया। तो इससे ये है वास्तव में विष्णु, और अब यहां से खुराक चली, इनके लिए ये विष्णु, परब्रह्म के लिए ब्रह्म, के लिए परब्रह्म विष्णु, और इन टैनियों के लिए ये विष्णु, और टैनियों से आगे जो खुराक गई उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु। अब वास्तव में विष्णु कौन हुआ, यह कबीर परमेश्वर है। तो ऐसे ये अधूरा ज्ञान वेदों को ना समझने से, क्योंकि कबीर परमेश्वर बिना कोई भी शास्त्र नहीं सुन सकता, वही कृपा कर सकता हमें अपनी रजा तय सब शास्त्रों की मलाई निकाल दे। तो विद्वान पुरुष थे रावण, ब्राह्मण घर में जन्म था, और देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्ति बड़े अच्छे शक्तिशाली बताए हैं, पर उसने न्यूना उसको ये ज्ञान नहीं आ सकता जब तक कबीर परमात्मा की रजा नहीं होगी कि वो वास्तव में है कौन। ये काल कहता है ब्रह्म गीता जी में कि मेरे हाथ में इन सब की बुद्धि है, जब चाहे अज्ञान अंधेरा भर दूं, जब चाहे मैं ज्ञान दे दूं। तो ये अज्ञान अंधेरा भर रखे, ज्ञान तो इसने जब आवश्यकता होती है अपना काम लेना होता है, जब तो सद्बुद्धि दे दे कि भक्ति करो, और भक्ति करो तो ये अधूरी करो। तो ऐसे ही रावण ने वेदों में पढ़ा के पूर्ण परमात्मा है, वो बड़ा सर्वशक्तिमान है, फिर आगे पढ़ा ब्रह्मा विष्णु और शिव, वही उसी का रूप है, वो वास्तव में वही है, तीनों गुण मतलब तीनों रूप। आगे जाके इस काल ने फिर अपने पुत्रों को तीन गुण का और व्यस्त प्रधान बना दिया, उनके नाम भी ब्रह्मा विष्णु शिव रख दिए। अब अनजान पड़े में रावण विद्वान पंडित ने शिवजी को सिलेक्ट कर लिया अपना इष्ट रूप में। इष्ट एक तो मानना ही पड़ता है, इष्ट माने बिना भक्ति नहीं हो सकती। एक गुरु होता है, एक साधक होता है, एक उपास्य वस्तु उपास्य शक्ति होती है। हमने जिसकी उपास्य उपासना करनी वो उपास्य इष्ट होता है, और एक बीच में उसका मीडिया गुरु होता है और साधक होता है। अब जो गुरु जिस इष्ट की साधना बताता है वो उसका गुरु है। अब जैसे हम पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करते हैं, पूर्ण परमात्मा के गुरु हैं बीच में साधक और परमात्मा के, और ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकता जब तक बीच में गुरु ना होगा। अब ये गुरु ही शिव तक और विष्णु तक के उपासक कर उनकी भक्ति सही नहीं बता रहे हैं, तो ये तो आपको दूर ही रखना रखेंगे। तो राक्षस स्वभाव का गीता में जो लिखा वो प्रमाण आपको बताता हूं कि रावण ने शिव की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की कि आज तो आप 7 जन्म भी नहीं कर सकते, 1000 जन्म नहीं कर सकते। ये कलयुगी लोग हैं, चाहे संत हैं, चाहे उनके उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं। अब जैसे भगवान शिव की उपासना रावण पंडित ने, विद्वान पुरुष ने की, और अपनी गर्दन भी न्योछावर कर दी, यहां से काटा अपनी तलवार मार कर, और ऐसे चरणों में चढ़ा दिया,
अब रावण के श्वास बाकी थे, इतनी शक्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश में है, ये उनके श्वासों को और इस शरीर को दोबारा जोड़ सकते हैं, ये श्वास जो के तू दे सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते, वो भी ऐसे साधक की जो जिसने कुर्बानी कर दी, और उसको सिद्धि भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि के दाता शिव जी अष्ट सिद्धि तक स्वयं रखते हैं और ये सिद्धि दे सकते हैं, एक दो सिद्धि अपने उपासक को, जैसी जिसकी भक्ति समर्थता होगी। तो रावण ने ऐसे 10 बार अपना यहां से काटा और चढ़ा दिया, आ चढ़ा के दिखाओ कोई उंगली शिव जी पे, और फिर के मिलेगा, राक्षस स्वभाव का हो गया, अच्छा धन हो गया, क्योंकि जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो ये प्रभु देंगे ही देंगे फिर, लेकिन ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बिना इनमें बुद्धि रह कोई ना, क्योंकि काल बुद्धि छोड़ता नहीं, फिर वो विद्वान पुरुष भी भक्ति की ऐसी की शर्बी चढ़ा दिया, उससे उसको खूब संपन्नता आ गई, धन भी हो गया, पुत्र भी हो गए, सारे ठाठ हो गए, और फिर गुटी लान लग गया, शराब पीवे और मांस खावो, वो विद्वान ब्राह्मण राक्षस हो गया। अब गीता जी में गलत नहीं लिखा, ये राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए नीच कर्म ऐसे दुष्कर्म करे, मांस खावर शराब पीवर ब्राह्मण हो गए, इसे गुंडा कर्म और के होगा, और प्राय स्त्री उठा लिया, और कहे तभी ना माना, कितना समझा उस जैसा नीच, उससे सब बुद्धि ही नहीं, अब 10-100 आदमी कहने लग रहे कम से कम मान जाए, कैसे कबीर परमेश्वर ने समझाया। उसके बाद फिर मंदोत्री को ज्ञान हुआ, मंदोत्री ने कहा कि रावण तू दे दे सीता या कोई बालक मत समझे, ये तो तीन लोक की अधीश्वरी है और तेरी सात है या दुश्मन है, तू छोड़ के आज को। विभीषण ने समझाया लेकिन नहीं माना, तो बुद्धिहीन हुआ। अब गीता जी में लिखा कि वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, इसने घटिया कर्म और क्या होगा, जो अपनी मां ने उठा लिया, तीन लोक की अधीश्वरी समझो सीता, और सीता माता कहें, और फिर उसी को अपहरण कर लिया, और फिर बताया कि बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में दुष्कृत्य, ये बुरे कर्म, क्योंकि ये साधना गलत है, गलत साधना है, दुष्कर्म है ये भक्ति के, तीनों गुणों तक की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और भूतों की पूजा, पितरों की पूजा, और ब्रह्म की साधना भी कबीर परमेश्वर ने मना किया है। कहते हैं जो इस काल को कर्ता कहे, जो इस ब्रह्म तक को भगवान माने बैठा है, और इसे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि तो भगवान तो है, लेकिन ये पूजा नहीं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।